अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास सिक्स। क्लास सिक्स के लिए वीडियो जो हम लोग पढ़ रहे थे, शब्द विचार चैप्टर जो पढ़ रहे थे, उसी चैप्टर को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में पहला पार्ट में हम तुम लोग को पढ़ा चुके थे अर्थ शब्द किसे कहते हैं और उसके कितने सारी भेदे हैं, भेदों में कितने सारे पार्ट्स हैं वो सब समझा चुके थे। और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे तत्सम तद्भव, बता चुके थे हम तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तद्भव शब्द किसे कहते हैं, कौन सा वर्ड्स का किसका तत्सम और तद्भव बना है, ये सब हम पढ़ा चुके थे आप लोगों को। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है आप लोगों को पढ़ना है और याद करना है। ठीक है, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, आज इस वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी और भी बहुत सारे तद्भव तत्सम शब्द हैं, इसको हम लोग को लर्न करना है। ओके, नेक्स्ट क्या आता है, देशज शब्द। देशज शब्द किसे कहते हैं, जो शब्द किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव के कारण हिंदी में प्रचलित हो गए उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जो शब्द किसी क्षेत्र में, किसी पर्टिकुलर स्टेट्स का जो वो लैंग्वेज होता है, जो स्टेट लैंग्वेज होता है, उसको हिंदी में भी हम लोग बहुत बार इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उसे हम लोग देशज शब्द कहते हैं। जैसे पगड़ी, थैला, हलवाहा, डिब्बा, डिबिया, झोपड़ी आदि, ये सब जो है अलग अलग क्षेत्र में जैसे इस्तेमाल किया जाता है, स्टेट्स का जो लैंग्वेज होता है जो अपने अपने स्टेट्स का, राज्य का जो लैंग्वेज होता है, उसको हम लोग एज इट इज़ इस्तेमाल कर लेते हैं हिंदी में भी, तो उसे हम लोग देशज शब्द कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज़ विदेशी। विदेशी क्या है, हिंदी में कुछ विदेशी भाषाओं के शब्द प्रचलित हो गए हैं, इन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा में बहुत सारे वर्ड्स ऐसा है जो हम लोग अलग अलग भाषा का, अलग अलग विदेश की भाषाओं का शब्द हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं हिंदी में भी, उसको एज इट इज़ किसी प्रकार का चेंजेस नहीं करते हैं, उसे विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे अरबी का विदेशी क्या है, रिश्वत, औरत, कलम, कामयाबी, अमीर, इनाम, फ़ायदा, कीमत, हासिल, इमारत, मशहूर आदि, ये कुछ वर्ड्स अरबी का भी, और भी बहुत सारे वर्ड्स अरबी जो है विदेशी शब्द है। ठीक है, ये तो इंडिया का शब्द नहीं है, बाहर आउट ऑफ इंडिया का शब्द है, तो अरबी ये सब वर्ड्स जो है हम लोग एज इट इज़ यूज़ कर लेते हैं। फारसी शब्द क्या क्या, आदमी, दुकान, चश्मा, दरबार, नमक, आसमान, चिराग, शादी, शराब आदि। और फारसी देखो, फारसी भी इंडिया का शब्द नहीं, अंग्रेजी, तुर्की, पुर्तगाली, चीनी, ये सब जो है आउट ऑफ कंट्री, इंडिया के बाहर का ये सब वर्ड्स है, तो ये सब को हम वर्ड्स को हम लोग एज इट इज़, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसको हम लोग एज इट इज़ हिंदी में इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वो विदेशी शब्द कहलाता है। ऐसे अंग्रेज़ी में देखो, रेडियो, टेलीविज़न, ड्राइवर, कोर्ट, टीचर, हॉस्टल, डिग्री, डॉक्टर, पेन, मशीन आदि, ये सब अंग्रेज़ी के बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो हम लोग हिंदी में इस्तेमाल कर लेते हैं। तुर्की के कौन कौन से वर्ड्स हैं, कैंची, चाकू, तोप, बारूद, दारोगा, बहादुर, कुली, तलाश, लाश, चमचा, आका आदि, ये तुर्की के ये सब वर्ड हैं। पुर्तगाली के कौन से वर्ड्स हैं, अचार, तंबाकू, साबुन, गिरजा, संतरा, कमीज़, काजू आदि। और चीनी में चीन के क्या वर्ड्स हैं, तूफान, पटाखा, चाय, चीनी, लीची आदि, तो ये सब चीनी शब्द है। ठीक है, मैं चाइना का वर्ड्स है, इसको हम लोग हिंदी में भी एज इट इज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, तो जो बाहर के लैंग्वेजेस जो है उनका कुछ कुछ वर्ड्स जो है हम लोग हिंदी में एज इट इज़ इस्तेमाल जो करते हैं उसे विदेशी शब्द कहते हैं। नाउ द लास्ट पार्ट इज लेफ्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर, किस तरह से हम उसको अपने इस्तेमाल के आधार पर शब्द को हम लोग इस्तेमाल किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रयोग के आधार पर हिंदी में शब्द दो प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पर जो है हम लोग हिंदी में दो तरह का भेद होता है, विकारी, अविकारी। ठीक है, विकारी शब्द क्या है, जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द किसे कहते हैं, जिन शब्दों का रूप, जो उसका जो शब्द है उसका रूप जो है उसको लिंग या वचन या कारक के
आधार पर जब उसे बदला जाता है तो वो विकारी शब्द कहलाता है। ठीक है, जैसे लिंग में हम लोग बहुत दफ़ा देखोगे लिंग को स्त्रीलिंग से पुल्लिंग करते हैं, वचन को एक वचन से बहुवचन करते हैं, कारक में भी चेंजेस, केस में भी बहुत सारा चेंजेस होता है, तो उसी तरह वो सारे शब्दों को क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये सब जो है संज्ञा में भी चेंजेस होता है, सर्वनाम, प्रोनाउन, विशेषण, एडजेक्टिव और क्रिया वर्ब, ये सब चीज़ में जो चेंजेस होता है तो वो सब चीज़, ये सब चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज अविकारी शब्द। दूसरा क्या है, अविकारी शब्द, जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं, और जिन शब्दों के रूप में, जिस रूप में किसी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं होता है उसे हम लोग अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, तो ये सब में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं होता है तो ये अविकारी शब्द कहलाता है। तो इस पाठ में हम लोगों ने क्या क्या सीखा बच्चों, वर्णों का सार्थक रूप शब्द कहलाता है। शब्द क्या होता है, वर्णों का सार्थक रूप शब्द कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द पद बन जाते हैं, और जब उसको शब्द को हम लोग सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं तब वो एक पैराग्राफ बन जाता है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद हैं, चार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। रचना के आधार पर कितने भेद हैं, तीन है, रूल, यौगिक, योग रूप। प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी। ठीक है, ये सब चीज़ हम लोगों ने इस चैप्टर में सीखा, और जब क्लासेस हम लोग का ऑनलाइन होगा तब हम लोग इसका सारे एक्सरसाइज भी जो है क्लासेस के दौरान ही करेंगे। ठीक है, क्लासेस के दौरान हम इस लोग इसका सारे एक्सरसाइजेस करेंगे। ओके, आप लोग चैप्टर को रीड कीजिएगा स्टूडेंट्स, और रीड करने के बाद जो हम एक्सप्लेन किए हैं, वीडियो जो है वीडियो भी आप लोग देखिएगा तो चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को ये समझ में आया होगा ये चैप्टर अच्छे से। ओके, नाउ इनफ फॉर टुडे, इतना ही काफ़ी है, ये चैप्टर में इतना ही है और पूरा मैंने समझा दिया है, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, नाउ क्लास इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।